رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا أما بعد فان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال 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 رجل يا رسول الله اي الذنب اكبر عند الله قال ان تدعو لله ندا وهو خلقك قال ثم اي قال ان تقتل ولدك خشيه ان يطعم معك قال ثم اي قال ان تزني حليله جارك فانزل الله تصديقها وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم النبي صلى الله عليه وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا گناہ الله کے نزدیک بڑا ہے بڑا كون سا तो रसूल सल्ह वसलम ने फरमाया कि अल्लाह के साथ तो किसी को शरीक करे हालांकि अल्लाह ने तुझे पैदा किया है पैदा करने वाली जात अल्लाह है तरबियत करने वाली ज़ात अल्लाह है रुबूबियत अल्लाह की है सारी नियमतें अल्लाह की हैं और बंदा किसी और के सामने से झुके और उसकी इबादत करे इससे ज्यादा कोई बेशर्मी वाली बात नहीं है सबसे बड़ा गुना शिरक है सवाल करने वाले ने आगे सवाल किया कि सुम्मा सुम इस गुनाह के बाद फिर कौन सा गुनाह बड़ा है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ं तक तुला वलदा का खश यहा महा का औलाद को इसलिए कत्ल करे कि वो तेरे साथ खाएगी रिजक की तंगी के डर से औलाद को मार देना कि रिजक नहीं है खाने के लिए नहीं है खिलाने के लिए नहीं है मार दिया अभी भी बहुत सारे वाकत ऐसे हो रहे हैं तो कत्ल अपनी जात में ही बुरी चीज है लेकिन उस कतल के साथ ये सोच शामिल हो जाए तो गुनाह डबल हो जाता है कि वो हमारे साथ खाएगा हालांकि जो खाता है वो अल्लाह का दिया हुआ रिजक खाता है अगर हमारे पास से लेके खा रहा है तो अल्लाह ताला ने हमें जरिया बनाया जैसे अल्लाह ताला ने खेत को जरिया बनाया जैसे अल्लाह ताला ने सूरज को जरिया बनाया जैसे अल्लाह ताला ने बादलों को जरिया बनाया जैसे अल्लाह ताला ने दरियाओं को जरिया बनाया जैसे अल्लाह ताला ने हवाओं को जरिया बनाया जैसे अल्लाह ताला ने मौसमों को जरिया बनाया वैसे ही अल्लाह ताला ने हमें जरिया बना दिया है कि हम औलाद के लिए खाना मुहैया कर रहे हैं वरना खाना उन्हीं का है उन्हीं की किस्मत का है अल्लाह ने उन्हीं के लिए बनाया था हमें अल्लाह तआला ने जरिया बनाया तो कतल करना एक गुना और ये सोच दूसरा गुना तो ये बहुत बड़ा गुना है शुरत के बाद ये बड़ा गुना है। सवाल करने वाले ने फिर आगे सवाल किया कि सुम में अम फिर कौन सा गुनाह बड़ा है फरमाया हलीलता जारी का कि पड़ोसी की बीवी से जिना करे जिना तो अपनी जात में बुरी बात है लेकिन पड़ोसी की बीवी से जिना करना एक डबल गुनाह बन जाता है इसलिए कि पड़ोसी के, के हकूक का तकाजा तो यह है कि उसकी इसमत पे कोई और हमला आवर हो तो हम उसका दिफा करें पड़ोसी होने का तकाज़ा तो यह था और हम जो अपनी जिम्मेदारी जम्... थी हमारी उसका दिफा करना उसकी हिफाजत करना बहसीत पड़ोसी होने की हमारी जिम्मेदारी थी हम सिर्फ जिंदा नहीं कर रहे बल्कि अपनी जिम्मेदारी में कोताही भी कर रहे हैं अगर कोई इंसान नौज बिल्ला करतूत करता है तो कुताही अप... इस तरीके से एक ही घर में दो तीन फैमिली रह रही होती हैं दो भाई तीन भाई तो भाई होने के नाते हर भाई अपने दूसरे भाई की इज्जत और इस्मत का मुहाफ है लेकिन अगर वही ख्यादत करने लग जाए तो फिर उसका जुर्म डबल हो जाता है तो पहला बड़ा गुना कौन सा है शिरक करना दूसरा कतल करना और तीसरा बदकारी करना तो अल्लाह ताला ने नबी अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक में जो आदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तीन बड़े गुनाह बयान फरमाए साइल के सवाल के जवाब में तो अल्लाह ताला ने इसकी तायद में कुरान पाक की आयत नाजिल फरमा दी ये कुरान की आयत सूरतुल फरकान के आखिरी रुकू में है कि वल्लज़ीन ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखरा

कि वो अल्लाह के सिवा किसी और महबूद की इबादत नहीं करते और दूसरी शान क्या है उनकी वला इल्ला बिल्हक जिस जान को अल्लाह ताला ने मोहतरम करार दिया है जिसके मारने को अल्लाह ताला ने तजायज करार दिया है उसको कत्ल नहीं करते हाँ अगर करते हैं तो हक के साथ कत्ल करते हैं सास के तौर पर किसी को कत्ल कर दिया वो हक के साथ होता है और वो अल्लाह के जो नेक बंदे हैं वो क्या है वला यह और ये जिना नहीं करते बदकारी नहीं करते और जिना से बचने के लिए अल्लाह ताला ने कुछ हदूद की किए उन हदूद का ख्याल करना जरूरी है गैर महरम को बुरी नीयत से ना देखें गैर महरम के साथ खलवत में ना बैठे गैर महरम के साथ बगैर जरूरत के रबा ना करे गैर महरम की तरफ चल के ना जाए गैर महरम की तरफ हाथ ना बढ़ाए गैर महरम की तरफ कदर ना बढ़ाए तो तब आदमी जो है वो इस बदकारी वाले गुनाह से बचता है और अगर अल्लाह की बताई इन हदूद को तोड़ देता है तो फिर ये आखिरी दर्जे का जो गुना है इस गुनाह के अंदर भी इंसान मुबतला हो जाता है अल्लाह तला हिफाजत फरमा और आज हमारा मखलूत माहौल है माहौल मखलूत है ठीक नहीं है तालीमी इदारों में भी मखलूत माहौल है हस्पतालों में भी मखलूत माहौल है और सरकारी दफातर में भी मखलूत माहौल है जबकि शरीयत की तलीम ये है औरतों के लिए तालीम ममनो नहीं है बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु रसूल वसल्लम ने ही सबसे पहले औरतों के लिए तालीम का इंतज़ाम किया है और बहुत बड़ा इंतज़ाम किया है और कुरान रसली वसल्लम ने मदीना मनवर में आकर निकाह ज्यादा किया है मक्का मौजमा में जब तक उमनत खलीजाकब्रा रजी अल्लाह तन थी आपने कोई और निका नहीं किया उनकी वफात के बाद दो निकाह किए हैं लेकिन रुखसती एक की हुई है तो सौदा की दूसरा निकाह किया था मक्के में हजत आयशा से लेकिन हजतायशा की रुखसती मक्के में नहीं हुई तो मक्के में आप एक बीवी के साथ रहे लेकिन मदीना मनवर में फिर अहकाम के नजूल का सिलसिला शुरू हुआ तो ता अब तालीमत कुरान की तलीम नबीम की सुनत की तालीम, तालीम ज्यादा मकदार में आनी शुरू हुई तो अब नबी नबीम ने ज्यादा निका किए ताकि घर के जरिए से भी उम्मत तक इनम पहुंचे सहाबा इकराम में उमोम हस्तायशा रजी का मकाम बहुत ऊंचा है और उम्मत से दो तरह से इनको बड़ा फैज़ मिला है एक तो यह है कि रसोस की रिवायात कसरत से इन्होंने नकल की है और वह बातें जो पर्दे की होती हैं और वो बीवी ही बयान कर सकती है वो बातें उमिनीन ने बयान कर दी और दूसरा हजतमोम फतवा भी देती थी तो इनकी रिवायात भी कसीर तादाद में है और इनकी इनके फतावा भी कसीर तादाद में है दोनों चीजें कसीर तादाद में है जबकि साहबा क़राम में मर्दों में भी फतवा देने वाले साहबा बहुत कम है और हज़रत हत्याशा सिर्फ फतवा देने वाली नहीं है बल्कि जिन साहबा के फतवा क़सीर तादाद में है उनमें शुमार होती है वरना फतवा देने वाले साहबा भी अगर कोई ताब किसी इलाके में फतवा दे रहा होता था ना तो वहां भी जाके फतवा नहीं देते थे कहते थे उससे पूछ लो फतवा देने में एहतियात करते थे तो हज़तिन के फतावा भी किसी तादाद में तो तालीम हासिल करना औरत के लिए ममनू नहीं है और जॉब करना भी ममनू नहीं है मशवरा भी ममनू नहीं है कौमी उमूर में राय दे सकती है औरत लेकिन यह है कि माहौल मखलूत न हो मखलूत माहौल को पसंद नहीं किया गया लेकिन आज माहौल मखलूत है इस मखलूत माहौल में हमारा इम्तिहान है कि हम जाती तौर पे किसी से न रखे किसी गैर से। जो अस्पताल में काम कर रहे हैं डॉक्टर काम कर रहे हैं या दूसरा तबी अमला काम कर रहा है वहां नर्सेस भी काम कर रही हैं और डॉक्टर भी काम कर रही है नर्से तो वैसे डॉक्टर से फासले पर होती हैं लेकिन जो उस वार्ड की और उस डिपार्टमेंट की जो डॉक्टर दीगर डॉक्टर खुतिन होती हैं वो तो डॉक्टरों मर्द डॉक्टरों के साथ मेल जोल इकट्ठे बैठना गप लगाना चाय मंगवाना सारी चीजें होती हैं उनमें नजर की हिफाजत नजर की हिफाजत का मतलब यह है कि बुरी नीयत से नजर न करे और इस तलीमी इदारों के अंदर भी यही सूरत हाल है तौर किसी से रबता ना रखे ना रा रखने की इजाजत दे किसी को और अगर कोई खात बाद होते हैं प्रोफेसर होते हैं वो पढ़ा रहे होते हैं उनके पास पढ़ने वाली जो तालिबा है वो मसाकत उस्ताद से जाती तौर रता चाहती है उसको कहो जी हमारी मिसत से रबा करो उसके जरिए से आप जो पूछना है पूछ लेकिन जती रे न रखे तो मतलब यह है कि ये तीन गुना बयान फरमाए हैं कि अल्लाह के नेक बंदे जो है यह तीन गुनाहों से बचते हैं तो तीसरे गुनाह के सिलसिले में मैंने अर्ज किया कि इससे बचने के लिए अल्लाह ताला ने कुछ हदबंदियां की हैं उन हदूद को नहीं फलांगना चाहिए कभी भी वला सुन और अगर कोई इंसान इन गुनाहों का इर्तिकाब करता है तो अल्लाह ताला, ताला ने बड़ी अजीब बात फरमाई वो बड़े गुनाहों का इरतकाम कर रहा है बहुत बड़े गुनाह का इरतक कर रहा है जो इंसान इन गुनाहों में से किसी गुना में मुबतला हो जाए अल्लाह ताली हमें शर्क से बचाए कतल जैसे संगीन गुनाह से अल्लाह तबारिक को हमें बचाए और बदकारी जैसे बदतरीन गुनाह, और इसके जो मुकदमात है बद है राबते रखना है बेतकलफ़ होना है खदवत इख्तियार करना है अजनबिया से इन चीज़ों से अल्लाह तबारिक को हमें बचाएं क्योंकि अल्लाह कह रहे हैं हम ये फाइजा जो आदमी ये काम करता है तो वो बड़े गुनाहों का इंतकाब करता है बड़ा गुनाहार है कैसा गुना है क्यामत के दिन उनके आज़ाब को बढ़ाया जाएगा वहां का तो आजाब का धुआं भी लग जाए ना किसी को तो बर्दाश्त नहीं हो सकता चले जाए कि बढ़ा चढ़ा के अजाब दिया जाए किसी को ये तीन गुना ऐसे है कि बढ़ा चढ़ा के अजाब दिया जाएगा इल्ला मन ताबा। तो युफाब योम क्या फी मुहाना, और इस अज़ाब में हमेशा रहेगा और रुसवा होकर रहेगा यानी इस अज़ाब के दो खासियत तीन खासियतें होंगी एक अज़ाब डबल होगा एक हमेशा होगा और एक यह है कि सिर्फ आजाब नहीं होगा बल्कि साथ रसवाई भी होगी रसोई जो होती है ना ये अजाब से भी बड़ा आजाब होता है आदमी मुश्किल सहने के लिए आसान होता सहने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन रसवाई सहने के लिए तैयार नहीं होता तो फरमाया यह दायमी आजाब भी होगा डबल आजाब भी होगा और रसवाई भी इसमें बहुत ज्यादा होगी अल्लाह ताली अल्ला हिफाजत फरमाया जिस गुनाह पे अल्लाह ताला इतने ततने रहीदे म्याल फरमा रहे हैं वो कितनी बड़ी चीज है लेकिन अल्लाह ताला अरहमुर उरहमीन है रहमत का दरवाजे किसी गुनागार के लिए बंद नहीं होते कभी भी कोई इंसान गुनाह के किसी दर्जे पर पहुंच जाए जब तक जिंदा है अल्लाह की रहमत के दरवाजे उसके लिए खुले हुए हैं हमेशा के लिए रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं उसके लिए आगे मियां ने अपने रहमत के दरवाजे खोले इल्ला मन ताबा वा आमना हाँ, तीन काम कोई कर ले तोहबा कर ले ईमान ले आए हमारे साले आए इख्तियार कर ले हम लोग तो बादशाह पहले से मोमिन हमारे लिए दो तो काम होंगे तोहबा कर ले और आम साल कर ले नेक आमाल इख्तियार करताबाला वा तीन आदमी ती जो आदमी इन गुनाहों के अंदर फंसा हुआ है या इन गुनाहों में से किसी एक में फंसा हुआ है नाउमीद उसको नहीं होना चाहिए कितने ही उसने कत्ल किए कह हमारे पाकिस्तान की एक सियासी जमात जो सियासी जमात कम और कातिल ज्यादा उसे किसके किसी लीडर के पास कोई अल्लाह का दा ही पहुंच गया कि भाई तोबा कर ले उसने कहा जी अब तो मैं इतने बंदे मरवा चुका हूं कि मेरे गुनाह नहीं माफ हो सकते गुनाहों के अंदर यह खासियत है कि इंसान मायूस हो जाता है अल्लाह से गुनाह गुनागार होना ये ये भी एक बड़ा बड़ी मुसीबत है लेकिन अल्लाह से मायूस हो जाए या उससे भी बड़ी मुसीबत है तोबा कर ले और आमल अख्तियार कर ले तो जो आदमी ये काम कर ले इतना बड़ा गुनागार हो लेकिन तोबा और अपने अमाल को दुरुस्त कर ले तो फिर क्या होगा अल्लाह ताला अगर ये फरमा देते कि इनके गुनाह मुआफ हो जाएंगे इनके गुनाह माफ हो जाएंगे तो अल्लाह का बड़ा इनाम था वरना इन गुनाहों के जो मुबतला होता है ना और कसरत से मुबतला हो जाता है उसको तोबा करना का भी हौसला नहीं होता हालांकि अल्लाह ताला तो ने तोबा का दरवाजा खोला हुआ है मरने से पहले तक खुला हुआ है वो कभी भी बंद नहीं होता हत्या जान अभी मौजूद है इंसान के अंदर लेकिन मौत के फरिश्ते नजर आ गए उस वक्त भी तोबा कर ले तो तौबा कबूल होगी ईमान कबूल नहीं होगा क्योंकि ईमान के लिए जरूरी है ईमान बिल गायब और जब आखरत के हवा नजर आ गए अब ईमान बिल गायब रहा ही नहीं तो उस वक्त को कलमा पड़ता है अगर पहले काफर था तो उसका तोबा कबूल नहीं होगी लेकिन गुनागार उस वक्त भी तोबा करता है तो उसके लिए तोबा का दरवाजा बंद नहीं है खतरा खुला हुआ है उसके लिए तो इसलिए तो कभी मायूस नहीं होना चाहिए तो अल्लाह ताला ये भी फरमा देते कि उसके गुनाह माफ हो जाएंगे तो बहुत बड़ी बात थी लेकिन जो अल्लाह ताला ने यहां पर ईमान और आमदाले पे जो वादा फरमाया है वो वादा बहुत अजीब है कमाल हो गया वही अल्लाह जो पीछे अभी पिछली आयत में इन गुनाहों की संगीनी बयान फरमा रहे हैं वही अल्लाह जो है वो आगे क्या वादा फरमा रहे हैं सुनिए फरमा युदाफाब यो मल्हत क्या फरमाया फूब सयात हसनात यही लोग है अल्लाह तबारिक वाल इनकी सयात को हसनात से बदल देंगे जो इनके नाम में गुनाह है वो नेकियां बन जाएंगे नामा आमाल खाली नहीं रहेगे अल्लाह अकबर कितना बड़ा गुना है और अल्लाह तुबारी कोतला खुद उसकी संगीनी बयान फरमा रहे हैं उस गुना की अभी आप पढ़ के आए हैं ये संगीनी तो लेकिन जब अल्लाह फरमाया तीन काम तुम कर लो तोबा कर लो ईमान कबूल कर लो अमल साले इख्तियार कर लो ईमान तो हमारे पास पहले मौजूद है ना तो हमारे लिए दो चीजें हैं ईमान और अमल साले फौला तो फरमाया तो अल्लाह तबारा इनके गुनाहों को नेकियों से बदल देंगे फौलाम हसन वफूर रही तोबा के साथ अल्लाह तुमारी को ने आमद एसार फरमाया तोबा की तकमील जो है वो इंसान की जिंदगी की असलाह करने से इंसान अपने अमाल की असलाह भी करे इस के रास्ते में लग जाए इंसान और जो इस रास्ते में लग जाता है वो, वो मंजिल तक ना भी पहुंचे अल्लाह की हाँ वो मकबूल हो जाता है जरूरी नहीं है लेकिन इंसान को इस्लाह के रास्ते पे लग जाना चाहिए तो तौबा की तकमील जो है वो आमल साले से होती है और आमल साले जो है वो अपने माहौल के अंदर रहते हुए नहीं होता इंसान यह चाहे कि जिस माहौल में मैं रह रहा हूं इस माहौल में बदल दू तो अपनी एक आदत बदलना उसके लिए मुश्किल हो जाता एक है। एक है उसके साथ जिंदगी उसकी चलती रहती है वो अपने माहौल से निकले हिजरत करे अपने माहौल से निकले और अपने से बेहतर माहौल में आए अपने माहौल से निकलने के लिए एक सूरत तो यह है कि मस्जिद के अंदर ज्यादा वक्त गुजारे मस्जिद के इमाम साहब हैं मस्जिद के मौजिन हैं वो हमसे बेहतर है नेक सोहबत के नीयत से उनके पास जाकर बैठ जाए और उनकी नेकी नेक होने का मतलब ये नहीं है कि वो फरिश्ते हैं और उनके अंदर बुराई नहीं है और उनकी हाँ हमसे बेहतर है बाकी जो है वो जि, जिस उम्र में है तो उस उम्र के एतवार से उनके अंदर नेकी होगी इमाम साहब हैं वो संजीदा उम्र बड़ी उम्र के हैं तो संजीदगी होगी उनके अंदर मुआजन है को लड़का है तो उसके अंदर लड़कों वाली शौखी भी होगी साथ नमाजें भी पढ़ता है तो लड़कों वाली शौखी बेशक उसके अंदर है लेकिन अजाने तो वो देते हैं ना नमाजें तो वो पढ़ता है ना हमसे तो वो बेहतर है तो हमें तो ऐसी सोहबत ये नहीं फरिश्तों की सोहबत नहीं चाहिए हमें अपने से बेहतर सोबत चाहिए हाँ जितनी ज़्यादा अच्छी सोहबत होगी उतना तबलीगी जमात के साथ निकल जाए तो अपने मोहल्ले से मुकम्मल तौर पर इनकता हो जाता है और जब वापस आता है तो बहुत बदला हुआ होता है अब उसको उस तब्दीली पे बरकरार रहना आसान होता है लेकिन तबलीगी जमात के अंदर इंसान को नेक माहौल मिलता है और अगर किसी बुजुर्ग से बैत हो जाता है और उनकी सोहबत में जाके रहता है तो वहां एक माहौल भी मिल जाता है और रहनुमाई भी मिल जाती थी थी है उसको वो शेख उसको जिक्र का तरीका भी बताता है शेख उसको बुराइयां छोड़ने का तरीका भी बताता है इसलाह का तरीका भी उसको बताता है अमले साले इख्तियार करने का तरीका भी उसको बताता है वहां रहनुमाई भी मिल जाती है तो नेक माहौल जो है वो कई दर्जे का होता है अपने हर रोज अपनी मजूद में ज्यादा वक्त गुजारे ये भी एक नेक माहौल का है और इस तरीके से जमात के साथ चल जाए ये भी नेक माहौल है और किसी शहर की सोबत में चले जाए वहां नेक माहौल भी मिलेगा और साथ उसको रहनुमाई भी मिलेगी उसको बताया जाएगा कि ये गुनाह छोड़ना है इस तरीके से छोड़ो तो अपने दिल को दुनिया की मोहब्बत से ऐसे पाक करना है हब्बे जहा से ऐसे पाक करना है हब्बे माल से ऐसे पाक करना है अपने आप को हसद से ऐसे पाक करने अपने आप को तकबर से ऐसे पाक करना है वहां जाके ये रहनुमाई भी मिलेगी तो अल्लाह ताला ने जो है बड़े बडे गुनागारों के लिए रहमत का दरवाजा खोला तो क्या फरमाया दो काम फरमाए तो तीन काम फरमाए लेकिन हमारे लिए इनमें से दो हैबा और आमद साले तो आमद साले तोबा तोबा तो इंसान कर लेता है लेकिन जिंदगी में आमद साले आ जाए वो अपने माहौल से निकलने से होता है नेक माहौल में जाने से होता है और तोबा के अंदर अल्लाह तुबारिक वाले ने यह खासियत रखी है कि तोबा भी इंसान को नेक अमाल की तरफ लाती है वजह क्या है जो इंसान तोबा करता है तो अल्लाह फरमाते हैं: अमन ताबा तबा वाल जो इंसान तोबा कर लेता है और नेक आमाल करता है वो अल्लाह की तरफ लौट के आ जाता है यतुब इला मताबा वो सीधा सीधा अल्लाह के रास्ते पे आ जाता है और एक हदीस की साथ में जाइए हदीशे कुदसी है सही की हदीस है।, है, है सही हदीस है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बंदा मेरी तरफ एक बालिश चल के आता है मैं उसकी तरफ एक जरा चल के आता हूँ जो मैं जो बंदा मेरे पास एक जरा एक गज चल के आता है मैं एक बाँ उसकी तरफ चल के आता हूँ और जो बंदा मेरी तरफ चल के आता है मैं उसकी तरफ दौड़ के आता हूँ मतलब तो यह है कि तोबा और अमल साले ये दो अमल चीजें ऐसी हैं कि इस इंसान इससे इंसान अल्लाह के रास्ते पर बढ़ जाता है और हदीस में आता है जो अल्लाह के रास्ते पर बढ़ जाता है अल्लाह उसका हाथ पकड़ लेते और जिसका अल्लाह हाथ पकड़ ले फिर गिरेगा नहीं वो चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा तो अल्लाह तुबारे बता हमें अपने रास्ते पे चलने की तोफी अता फरमाए मैं वो आखिर दावा ना डब्ल्यू 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 तो डॉट डॉट कॉम तो